पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एसडीएम इंटर कॉलेज में प्रेमनगर विकास समिति ने भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का सम्मान किया। इस अवसर पर समिति के संरक्षक, समाज सेवी और प्रमुख निर्यातक प्रेमवीर सिंह ने समिति द्वारा किए गए प्रयास की सराहना की। सरकार में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि लायनपार में कन्या डिग्री कॉलेज की स्थापना से विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, साथ ही हमारी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने से लायनपार और ग्रामीण अंचल की बेटियों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर समिति के महासचिव, पूर्व पार्षद और समाज सेवी देवराज सिंह चौहान ने बताया कि समिति राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज और अस्पताल का प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को भेज रही है। डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, सदस्य विधान परिषद, रितेश गुप्ता विधायक नगर, भूपेंद्र सिंह चौधरी कैबिनेट मंत्री पंचायती राज के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इसके लिए आश्रम पद्धति विद्यालय के पीछे जमीन तलाश भी कर ली गई है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश चौहान ने बताया कि लायनपार की आबादी लगभग 4 लाख है। स्वास्थ्य की दृष्टि से लायनपार में अस्पताल का होना अति आवश्यक है। इसका प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया। सरकार द्वारा ये सौगात मिलने पर लायनपार का विकास तेजी से होगा। इस दौरान पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनुपेंद्र चौधरी, संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ महानगर के महावीर सिंह, महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष बनी विजय लक्ष्मी पंडित, सह संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ उदयराज सिंह, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के संयोजक देवराज सिंह चौहान, उपाध्यक्ष महिला मोर्चा प्रीति कश्यप, प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा अंजलि चौहान, उदयबान सिंह, एनजीओ प्रकोष्ठ के संयोजक ज्योति बंसल, मंत्री महिला मोर्चा महानगर, इन सभी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समिति के संरक्षक प्रेमवीर सिंह, महासचिव देवराज सिंह चौहान, अध्यक्ष डॉक्टर सतीश चौहान के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। प्रेमनगर विकास समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित था। प्रेमनगर विकास समिति सन 1981 से विकास के कार्य में तत्पर है। उसी दिशा में प्रेमनगर विकास समिति शिक्षा और जो भी इस एरिया के डेवलपमेंट के विकास कार्य हैं वो जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाती रहती है। उसी क्रम में दो मांगें हमारी विशेष चल रही थी। एक तो यहाँ पर स्वास्थ्य जो बिल्कुल चिकित्सा सुविधा की बहुत कमी थी, एक सरकारी चिकित्सालय यहाँ पर उपलब्ध हो इस एरिया में, जिसमें कि बहुत ही ये खुशी की विषय है कि जिस मांग को स्वीकार कर लिया गया है और ढक्का कुंदनपुर पर जो 20 बेड का सरकारी हॉस्पिटल बनने वाला है, बन रहा है, बहुत जल्दी वो हमारे समाज इस क्षेत्र को मिल जाएगा। ये इसको अवगत कराने के लिए यहाँ के प्रेमनगर विकास समिति के सदस्यों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और उन्हें इस बारे में बताया गया। दूसरी हमारी विशेष मांग थी कि यहाँ पर, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, शिक्षा का विकास बहुत ही ज़रूरी था, तो इसी क्रम में हम अपनी लोग को जगाए हुए हैं। पहले कन्या इंटर कॉलेज बनवाया प्रेमनगर विकास समिति के माध्यम से, अभी कन्या डिग्री कॉलेज की डिमांड थी, जो कि हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं उन्होंने उस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा था कि ज़मीन चिन्हित की जाए तो इस पर हम विचार करेंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़मीन एमडीए की इंटर कॉलेज के सामने उपलब्ध है, जो कि उनके संज्ञान में ला दी गई है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस डिमांड को भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रेमनगर विकास समिति हमेशा जो भी सरकार के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि या समाज से जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको सम्मान प्रदान करती रहती है। इसी क्रम में आज ये उन सभी जो हमारी महिला जो भाजपा ने जो नए प्रकोष्ठ जितने भी घोषित किए हैं उनके जो हमारे चाहे वो अध्यक्ष हैं चाहे मंत्री हैं उन सब की 11 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, जो कि अभी अभी नवनियुक्त जो प्रकोष्ठों के अधिकारी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं और समाज के सभी यहाँ पर प्रबुद्धजन उपस्थित थे। मैं सभी के उसके लिए भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सारे जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमारे इस विकास कार्य में सहयोग देंगे और हमारी इस विकास की धारा को आगे बढ़ाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।